जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया हमारा सच्चा दोस्त है और वो आगे भी रहेगा, और कल उसने कहा कि वो S-400 की डिलीवरी लेट करने वाले हैं। हालांकि इससे हफ्ता पहले रशिया हमें आश्वासन दे रहा था कि 2021 में हम अपनी पहली डिलीवरी करने वाले हैं, लेकिन रशिया उससे भी ज्यादा डिले कर गया है। परंतु रूस का यहाँ पे कहना है इसके पीछे हमारी पेमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ने इसकी पेमेंट लेट की है और ये बात 100% सच भी है। और ये पेमेंट लेट इसलिए भी हुई थी क्योंकि हम अपना व्यापार डॉलर में नहीं करना चाहते थे, व्यापार हम अपना रुपी और रुपेल में करना चाहते थे, और जिसके लिए हमने सबसे पहले SBI बैंक को चुना था। लेकिन यहाँ पे SBI बैंक ने ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था अमेरिका SBI पर सैंक्शंस ना लगा दे, और जिस कारण हमने यूको बैंक को चुना, और जिस कारण से यूको बैंक को चुनते चुनते ही हमारी पेमेंट लेट हो गई। और इसलिए रूस ने कहा कि हमारे पास पेमेंट लेट पहुंची है और जिस वजह से भारत का S-400 लेट हो जाएगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि रशिया ने ऐसा क्यों कहा? हालांकि भारत के कई मित्र देश ऐसे मौजूद है जिसमें फ्रांस और इजराइल मुख्य है, जो भारत को अपने पेमेंट हथियार मिलने के बाद भी करने का ऑफर भी दे देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इन दोनों देशों पर अमेरिका ने किसी भी तरह का सैंक्शंस नहीं लगाया है और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और ये तो चाहते ही है कि भारत अपनी पेमेंट लेट करे, क्योंकि वो इससे भारत को दबाकर भारत और फ्रांस इजराइल के रिश्ते और गहरे करेंगे। परंतु भारत फिर भी उन देशों के साथ अपनी पेमेंट लेट नहीं करता है, और वो भी कैश में पूरी पेमेंट करता है, और इसलिए भारत को भी चाहिए कि वो अपनी पेमेंट जल्द से जल्द करने की ओर जोड़ दे बजाय इस डील को कैंसिल करने में। और अगर ये डील कैंसिल होती है तो ना ही सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत पूरी दुनिया में रूस के गैर मौजूदगी के कारण अकेला पड़ सकता है। और आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रूस और भारत को लेकर क्या राय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।